ये देखिए बेटा कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ये रेज जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास करेगी और ऑप्टिकल सेंटर गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। तो ये रेज बेटा डाइवर्जिंग इन नेचर कहीं नहीं मिलेगी, एक्चुअल में कहीं नहीं मिल रही, तो रियल इमेज नहीं बन रही। बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया जो इमेज बनी बच्चों ए डैश बी डैश, ये आपकी वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट के बारे में आपको क्या याद रखना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट रखना है हमें ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, कहाँ रखना है बेटा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, सी बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, बिटवीन एफ एंड सी। लेट्स स्टार्ट। तो इसमें जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स ली, वो फर्स्ट ट्रायंगल ली हमने ए डैश बी डैश सी इमेज की सेंटर से, और दूसरी बच्चों ऑब्जेक्ट की सेंटर से ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल दिख रही है ए डैश बी डैश सी ए बी सी, परपेंडिकुलर का रेशियो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और यहाँ पे बेस का रेशियो हो जाएगा बच्चों सी बी डैश अपॉन सी बी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अ सेकेंड सिमिलर ट्रायंगल आपको क्या बताया हुआ है, इन सिमिलर ट्रायंगल इमेज की फोकस से ए डैश बी डैश एफ ए डैश बी डैश एफ, ये बड़े वाले ट्रायंगल, एंड ऑब्जेक्ट की फोकस से। ऑब्जेक्ट ने तो फोकस से ट्रायंगल ही नहीं बनाई, तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे उसमें क्या था। तो यहां से बच्चों एक मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की पैरेलल, दैट इज सी डी, किसके इक्वल है ए बी के इक्वल। तो दूसरी ट्रायंगल बच्चों सी डी एफ कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे सी डी एफ। तो वही पैरेलल सिमिलर ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का रेशियो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी अपॉन ए परपेंड, अच्छा ये सी डी एफ है तो सी डी एफ सी डी लिखना परपेंडिकुलर, ये बड़े वाले ट्रायंगल ये बड़े वाले ट्रायंगल परपेंडिकुलर, ये छोटे वाले ट्रायंगल सी डी एफ रेशियो सी डी। सी डी किसके इक्वल है ए बी, तो एक बार आप सी डी लिखे फिर से ए बी आ जाएगा। बेस का रेशियो क्या होगा बच्चों बड़े वाले ट्राइंगल में एफ बी डैश, क्या होगा एफ बी डैश, और छोटे वाले ट्राइंगल में बच्चों सी एफ। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी इक्वल। तो सी बी डैश अपॉन सी बी is equal to f b dash upon c f। अब हम क्या करते हैं बच्चों सभी डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से c से मेजर करेंगे। सभी डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे बच्चों ऑप्टिकल सेंटर c से। तो ये जो f b dash है f b dash पूरे को c से मेजर करो c b dash plus c f, इसको क्या लिख लेंगे बच्चों बाकी टर्म एज इट इज लिख दीजिए c b dash upon c b upon c f एफ बी डैश कंप्लीट सी बी डैश प्लस सी एफ। यू क्या है बच्चों ये यू है माइनस का, ये क्या है बच्चों माइनस का वी, और ये क्या है प्लस का फोकस। ठीक है प्रॉपर साइन के साथ इनकी वैल्यू रखिए यू वी एंड एफ की। तो यहां पे सी बी डैश माइनस वी अपॉन सी बी माइनस वी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। सी बी डैश कहाँ है सी से बी डैश का डिस्टेंस क्या होगा माइनस बी, और सी एफ प्लस एफ डिवाइड बाय बच्चों सी एफ प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ। इसके बाद क्या बताया था आपको डिवाइड करना है किससे यू वी एफ ऑन बोथ साइड, डिवाइड यू वी एफ ऑन बोथ साइड डिवाइड बाई यू वी एफ ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये जो यू वी एफ से आपने डिवाइड किया यू वी एफ से आपने डिवाइड किया एफ कर लीजिए, तो यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी, तो वी एफ अपॉन यू वी एफ माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ। VF से VF कैंसिल, UV से UV कैंसिल, UF से UF कैंसिल, क्या रह जाएगा यहाँ पे 1 by U is equal to 1 by F, वो भी माइनस का प्लस 1 by V। रीअरेंज करो इसको इधर ले आओ
1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U. This is Lenz equation or you say Lenz formula. कंडीशन क्या है बच्चों, फिर से याद करो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. इमेज कैसी बनी, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, लार्ज इमेज, मैग्नीफाइड इमेज बनी, वर्चुअल इमेज बनी. और वर्चुअल इमेज कैसी होती है बच्चों, इरेक्ट, सीधी बनती है. तो ये रे डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए, प्रोसीजर आपका सेम था जैसा कि हमने रियल के केस में डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव लेंस से कैसे लेंस फॉर्मूले को ड्राइव किया जाए, किस टाइप की इमेज बनेगी, रियल और वर्चुअल. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.